हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है तो आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना। तो फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे प्राइवेट पार्ट वजाइना के बारे में और हमारे मेनस्ट्रुअल सर्कल के बारे में। हम सबके, हमारे जितने फीमेल लेडीज़ हैं, मतलब फीमेल के लाइफ में ये टाइम तो आ ही जाता है, बहुत ही जल्द आता है, मेनस्ट्रुअल सर्कल का पीरियड का 13-14 साल से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी फीमेल होगी, उनके लाइफ में एक ना तो एक बार ये टाइम आता ही है, जबकि जब उनको दिखता है कि उनका पीरियड कुछ टाइम पहले ही हुआ है और फिर से उनको हल्का सा या फिर कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग होने लगा है। ये ज़्यादातर जो मैरिड वुमेन होती है उनका होता है और टीनेजर्स जो होते हैं उनका होता है। तो मतलब किसी का भी हो सकता है, लेकिन खासकर टीनेजर्स का और मैरिड वुमेन का ये चांसेस ज़्यादा होता है होने का, कि उनका पीरियड कुछ टाइम पहले, जैसे एक वीक पहले ख़त्म हुआ है, कंप्लीट हो गया है और फिर से उनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें समझ नहीं आता है कि या फिर से ये पीरियड आ गया है या ब्लीडिंग किस वजह से हो रहा है। या मुझे एक बार फर्स्ट टाइम हुआ था तो मैंने सोचा था शायद मेरे पेट के अंदर का कोई नस फट गया है इसलिए मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी के लाइफ में एक बार ना एक बार ऐसा होता ही है, और ये कंपलसरी नहीं है कि एक बार ना एक बार हो ही, लेकिन ऐसा होता है, ये एकदम कॉमन है, नॉर्मल है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि ये होता किस लिए है। हमें जहाँ तक मालूम होता है कि हमारे इंटरनली कुछ ऐसे एक्टिविटी हम करते हैं तो शायद कुछ चोट वोट लग गया होगा अंदर, या फिर कोई नस फट गया होगा, ऐसा कुछ जो हुआ होगा और हमें ब्लीडिंग हुआ है। पीरियड हमारे ख़त्म होने के बाद फिर से हमें अचानक ब्लीडिंग हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये किस वजह से हो सकते हैं। टीनेजर्स को जो होते हैं वो फिजिकली एक्टिविटी करने के वजह से नहीं होते हैं कि उन्होंने ज़्यादा भाग दौड़ किया है इस वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। उनका होने का वजह कुछ यही होता है डॉक्टर्स के मुताबिक कि हार्मोनल इम्बैलेंस, सबसे मेन वजह जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर आपके ओवरी में आपके जो जहाँ आपके बच्चेदानी है उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, या फिर बच्चेदानी जहाँ पे आपका अंडा, जहाँ पे एग जहाँ से रिलीज होता है वहाँ पे शायद कैंसर पनप रहा है, कैंसर होने का चांसेस होता है। जब कैंसर पनपने लगता है तब हो सकता है। ये जो ब्लीडिंग होता है ये हमारे ओवरी, हमारे वजाइना के आसपास जितना भी इंटरनल जो सिस्टम है उसके वजह से होता है, और मेन वजह तो इसका होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जो हमारे बॉडी में आए दिन हार्मोन चेंज होते रहते हैं वो मेन वजह होता है हमारा जो पीरियड, फिर से हमें लगता है कि दोबारा हो गया है, ब्लीडिंग होता है। बहुत लोगों का कई बार बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लोगों का कम होता है, थोड़ा सा थिक होता है और थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, एकदम रेड कलर का ब्लड जैसा नहीं होता है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए 3 से 4 दिन। अगर आपका ब्लीडिंग ख़त्म हो जाता है तो ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ही था, और अगर आपका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, रुक नहीं रहा है, पीरियड जैसा हुए जा रहा है ढेर सारा, तो आपको फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अपने डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से ये हुआ। इसका वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस, और हमें लगता है कि हमारे बॉडी में हम ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, दौड़ भाग करने की वजह से ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जो मैरिड है उनका वजह थोड़ा सा अलग होता है, एक दो सिम्टम जो है अलग होता है। जो मैरिड वुमन होते हैं उनका अगर पीरियड के बाद फिर से दोबारा पीरियड स्टार्ट हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उनका भी हार्मोनल इम्बैलेंस ही हो सकता है। लेकिन अगर आपने उस बीच कोई मिस्टेक किया है तो ये आपका प्रेगनेंसी भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के वजह से, ऐसे तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होता है, मतलब पीरियड नहीं चलता है, 9 महीने हमें पीरियड नहीं होता है, लेकिन जब गर्भाशय में बच्चा ठहरता है, जब पीरियड को रोक नहीं पाता है, जो इंटरनली हमारा सिस्टम होता है पीरियड को रोक नहीं पाता है, तो कुछ ब्लड जो है बाहर निकल आते हैं, तो उस तरीके से हमें ब्लीडिंग हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट होते हैं। जब बच्चा ठहरता है गर्भाशय में, पनपना स्टार्ट करता है, जगह बनाता है, तो उस वजह हमें थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाता है। जब पीरियड रुकता है, पीरियड रुक नहीं पाता है, गर्भाशय रोक नहीं पाता है, तो थोड़ा सा ब्लीडिंग हमें हो जाता है।
तो फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है मेरिडोवन का, अगर आप मैरिड है और आपके पीरियड के बाद फिर से दोबारा पीरियड हो गया है कुछ हफ्ते के बाद, आपको लग रहा है कि आपका ये डेट नहीं है, तो आपको फटाफट पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आपका ब्लीडिंग कम हो, ज़्यादा हो और आपको लगता है कि आपने इन बीच कोई मिस्टेक किया है, तो आपको अपने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। और इस और वजह से भी ब्लीडिंग होता है, अगर आपने इंटीमेट के बाद कोई कॉन्ट्रासेप्टिक पिल लिया है, आईपिल जैसा कोई टैबलेट लिया है, तो उस साइड इफेक्ट की वजह से भी हमें पीरियड हो जाते हैं, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा से पीरियड हो गया है, उसका ये मतलब होता है कि आपने जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स लिए हैं उनका ये साइड इफेक्ट है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाके मिलना चाहिए, 2-3 दिन वेट करना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि आप और आपने पिल लिया है इस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रहे हैं। लेकिन कई बार केसेस में देखा जाता है कि मेरिडोमन का जो है वजाइना में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंटीमेट के दौरान कई सारे जो है वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद उनका जो वजाइना में इन्फेक्शन फैलने लगता है, उनके ओवरी में जो उनका गर्भाशय होता है उसमें कैंसर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऑपरेशन होते हुए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ जो है सिस्टम में इंटरनली प्रॉब्लम होने लगता है, तो इस वजह से हमें ब्लीडिंग होता है। और जब ओवरी में, जब गर्भाशय में कैंसर जैसा बीमारी पनपने लगता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, इतना ब्लीडिंग होता है कि बहुत लिमिट से ज़्यादा हो जाता है और कई दिनों तक, कई हफ्तों तक चलता ही रह जाता है। और बहुत जब हाथ से बाहर हो जाता है, जब जब सारा सिचुएशन हाथ से बाहर हो जाते हैं, तब जाते हैं डॉक्टर के पास लोग। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ हमें 2 से 3 दिन देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ 4 ही दिन वेट करो। अगर आपको लगता है कि ठीक हो जाएगा तो आप 4 ही दिन वेट करो, और 3 दिन के बाद आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप अपने सेहत को अच्छा रखना चाहते हो तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टीनेजर्स हो या फिर मैरिड वुमन हो, अगर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स लिए हैं प्रेग्नेंट हो, तो इन वजह से आपको ब्लीडिंग कुछ टाइम के लिए हो सकता है। तो अगर आप पता कर सकते हो अपने बॉडी के बारे में तो काफ़ी अच्छा बात है, आप खुद पता कर सकते हो, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, या फिर आपने कोई पिल्स ली है तो आप उससे आप जान ही सकते हो कि इस वजह से आपका ब्लीडिंग हो रहा है, दोबारा आपका पीरियड जो है फिर से चालू हो गया है। तो ये 2 वजह हो सकता है और आप अपने घर बैठे ही जो पता कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कोई ब्लीडिंग जो है चलता ही जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि आपके इंटरनली आपके जो वजाइना है, आपके ओवरी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको डॉक्टर के बताने के बाद ही कोई स्टेप आपको लेना चाहिए। तो ये 2 वजह होते हैं हमें ब्लीडिंग होने का, और मेन जो वजह होता है हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन जो आए दिन चेंज होते रहते हैं, वेदर के हिसाब से, हमारे खान पान के हिसाब से, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो मेन जो आज तक डॉक्टर को पता चला है ये यही होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, इस वजह से आपको ब्लीडिंग हुआ है, और आप फिर लगता है कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए या इसी वजह से आपको ब्लीडिंग हुआ है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं ब्लीडिंग होने का। और तो आप पता कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ और आप लोग जो है अच्छे से समझ पाए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए, और बेल बटन को भी हिट कर देना है। मिलती हूँ मैं अपने अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।